हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाला वीडियो मिल सके। लिखी हुई रेसिपी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इडली बनाने के लिए हमने 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी हमने उड़द की दाल ली थी और उसको धो करके अच्छे से पानी से साफ कर लिया। उसके बाद इसको हमने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। उड़द की दाल में हमने जो है थोड़ी सी चने की दाल भी डाल दी थी, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और उसमें हरी मिर्च और अदरक भी महीन महीन काट के डाल दिया है। उसके बाद चावल को अलग और दाल को अलग हम पीस करके दोनों को मिला लेंगे और मिलाने के बाद में थोड़ा सा सोडा डाल के इसको 8 घंटे के लिए रात भर रख देंगे। उसके बाद हम इसकी इडली बनाएंगे। देखिए, हमारा इडली का बेटर तैयार हो गया था और इसमें अच्छा खासा खमीर उठ गया है। अब इसको हम 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर इस तरह से ढक करके रख देंगे और जब इडली बन जाएगी तो ठंडी होने के बाद उसको काट करके हम इसको इडली को फ्राई करेंगे। देखिए, दूसरी कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इडली हमारी देखिए ठंडी हो गई है और इस तरह से हमने 2 टुकड़े में काट लिया है। अब कढ़ाई में हम 1 चम्मच राई, थोड़ा सा हम करी पत्ता, खींचा आए तो दूर हो जाइएगा, देखिए अदरक, हरी मिर्च, गैस को मीडियम कर दिए हैं और थोड़ी सी हींग डाल दिए हैं। छींटा आए तो थोड़ी दूर हो जाइए। देखिए, हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये हमने 1 प्याज को काट लिया लंबा लंबा और जब 2 मिनट प्याज हमारा भून जाएगा तब इसमें टमाटर डालेंगे। देखिए, 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे प्याज हमारा भून गया है तो उसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का सा भूनना है। और देखिए, टमाटर के बाद हम इसमें इडली डाल देंगे। और इडली बहुत सॉफ्ट है तो इडली टूटे नहीं, तो उसको धीरे धीरे मिलाएंगे। दो मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे। देखिए, इडली हमारी एक तरह से थोड़ी क्रिस्प हो गई है तो इसको हम धीरे से पलटेंगे। और अब इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम सांभर मसाला इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच और 1 चम्मच हम इसमें विनेगर डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक। इसको मिला लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा लो फ्लेम पे ढक देंगे। मिनट लो फ्लेम पे पकने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको चला लेंगे। देखिए, हमारी फ्राइड डिश तैयार हो गई है तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं। देखिए, हमारी स्पाइसी इडली तैयार है। अगर इडली बच जाती है तो उसको आप शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाला वीडियो मिल सके। बाय बाय।